वेलकम बैक टू श्रीमद। आज का दुआ है, बंजा रेखा बैल ज्यो भरमी फिरे चहुदेश, खार लाद है भूस खात है बिना सदगुरु उपदेश। अर्थात कबीर दासजी दोहे में कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक बंजारे का बैल यूं ही चहु दिशाओं में, यानी कि सब तरफ घूमता रहता है, उसके साथ साथ चलता रहता है, वो अपने ऊपर चीनी का बोझ रखता है पर वो खाता तो तभी भी भूस है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको किसी सदगुरु का उपदेश ही नहीं मिला। इसमें कबीरदास जी आपको ये कहना चाहते हैं कि सदगुरु के, यानी कि आपके जो भी, आपने जो भी सीखा है, अपना ज्ञान लिया है किसी से, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप वो अप्लाई नहीं करेंगे तो आप उस भैंस या बैल जो भी है उसके जैसे हो जाएंगे जो चीनी लाद कर भी भूस खाता है। कबीरदास जी इन दिस कपलेट नरेट्स दैट जस्ट लाइक एन ऑक्स ऑफ दैट ऑफ अ मर्चेंट हु keeps the load of the sugar on his back but he has to eat the straw, don't become like that particular ox who has not applied the teachings of the guru, the teachings he has earned during his lifetime. Kabirdas ji wants to say that you must apply each and every teaching that you are getting. You must apply each and everything that you have learned into your life, or else you will be like that ox who has sugar on his back but has to eat straw. With this, I conclude. Thank you.